हमीरपुर जिला में पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई, लेकिन ठंड होने के चलते सुबह के समय कम ही लोगों ने मतदान केंद्रों पर आकर मत का प्रयोग किया है। हमीरपुर जिला के 82 ग्राम पंचायतों में 476 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया करवाई गई है। हालांकि सुबह 10 बजे तक 17% ही मतदान हुआ, लेकिन धूप खिलने पर दोपहर बाद मतदान प्रतिशतता में तेजी आई। मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करवाया गया और वोट करने पहुंचे मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा हैंड सैनिटाइज भी करवाए गए हैं। इस दौरान जहां बुजुर्गों में मतदान करने का उत्साह था, वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में भी भारी उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान कर रही ट्विंकल, शिल्पा और रिया ने बताया कि उन्होंने पहली बार मतदान किया है और वे मतदान करने के लिए बहुत उत्साहित थी। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी पंचायत में ऐसा प्रत्याशी चुन के आए जो पंचायत का विकास करवाए। पहली बार ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ इक्वालिटी है हमारे इंडिया में, और इससे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ हमारे देश में बदलाव आएगा, कुछ हमारी पंचायत में बदलाव आएगा और हम एक ऐसा लीडर चूज कर सकते हैं जो हमारी पंचायत में डेवलपमेंट लेके आए। पंचायत में समस्याएं हैं तो यही होती हैं कि स्ट्रीट लाइट्स लगाएं और बाकी पार्क वगैरह हों, बस यही। मैं बहुत एक्साइटेड थी काफ़ी वोट के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार वोट डाल के। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपनी पंचायत में ऐसा कैंडिडेट चूज कर सकते हैं जो हमारी पंचायत में बहुत अच्छी डेवलपमेंट ला सकता है, चेंज ला सकता है। वहीं स्थानीय निवासी राजकुमार ने बताया कि बल पंचायत कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण सुचारू रूप से चल रही है। देखो, मैं कई पोलिंग बूथों पर जाकर आया, मगर जो बल पंचायत में चला हुआ है इलेक्शन का माहौल, चुनाव का, वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला हुआ है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का और जो सैनिटाइजर है उसका पूरा प्रयोग किया जा रहा है और इसका सारा जो क्रेडिट है यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है और जो वोटर है उनको जाता है। और साथ में जो यहाँ जिन्हें भी सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए हैं वो भी अपने जो ड्यूटी है बड़ी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और पंचायत के जिन्हें निवासी हैं वो भी इन लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। वहीं बल पंचायत में चुनाव पर्यवेक्षक आर भाटिया ने बताया कि बल पंचायत में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है, काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए बल मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। जी, मैं इस बल पंचायत में एज ए सेक्टर ऑफिसर अपॉइंट हुआ हूँ और यहाँ का जो मतदान है बड़े शांतिपूर्ण माहौल से चला हुआ है। यहाँ की जो पब्लिक है काफ़ी सुलझी हुई लग रही है, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल से मतदान हो रहा है और यहाँ की जो पोलिंग पार्टीज हैं और हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं ये भी काफ़ी ईमानदारी से अपना काम निभा रहे हैं और काफ़ी अच्छा शांतिपूर्ण से यहाँ चला हुआ काम वो पूरा पालन हो रहा है कोविड-19 का, जैसे सैनिटाइजर रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण में हमीरपुर जिला में 85 ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए हैं और पहले चरण में मतदान प्रतिशतता 75.77% रही है।